नमो वरहंतारम नमो सिद्धारम नमो वारियारम नमो वज्जायारम नमो लोये सब सागुणम शुद्धात्मान मणिकांतम साधुमुक्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्ट अर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंदकुंदाद्योजयन धर्मगुस्त मंगलम सर्वमंगलमंगलं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं परद्रव्य को दुख का कारण उपचार से कहा जाता है। वास्तव में परद्रव्य को अपना मानना वही दुख का कारण है। परद्रव्य को उपचार से दुख का कारण का परिग्रह दुख का कारण है, घर परिवार दुख का कारण है, लेकिन दुख का कारण है जीव का स्वयं का मोह अज्ञान। यदि स्वयं के मोह और अज्ञान को दूर करने का उपाय करे तो यह जीव सुखी हो सकता है। और मोह और अज्ञान को दूर करने का उपाय न करे तो परद्रव्य हो न हो, परद्रव्य तो परद्रव्य है, वे दुख के कारण नहीं हो सकते। देखो इस संसार में रोज जन्म होता है, रोज मरण होता है। शरीर के संयोग को जन्म कहते हैं और शरीर के वियोग को मरण कहते हैं। आत्मदृष्टि से देखा जाए तो आत्मा का न जन्म होता है न मरण होता है, शरीर का भी न जन्म होता है न मरण होता है। मरण है शरीर के वियोग का नाम, जन्म है शरीर के संयोग का नाम। संयोग और वियोग, संयोग में दो शब्द हैं, संयोग सम्यक प्रकार से योग होना माने मिल गए। बारे भावना पढ़ते जो मेले में पंथियन मिलने धरे फिरते, एक मेला है और मेला लगता है मेला बिछुड़ता है, मेले में आदमी आते हैं और जाते हैं, इसी प्रकार से ये संसार आवागमन का नाम है। पहले कहा तो भैया मरण अर्थात ट्रांसफर हो जाना, अब अच्छे काम किए तो अच्छी जगह पहुंच गए, खोटे काम किए तो खोटी जगह पहुंच गए। देह भिन्न है तो भिन्न होगी, मृत्यु कब होगी ये हमें तुम्हें नहीं मालूम हो, छद्मस्थ हैं, लेकिन मृत्यु का होना निश्चित है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होगा। अपन ये कल्पना करें कि मरण न हो, मरण न हो, मरण न हो, एक कल्पना करो मरण न हो तो क्या होगा, फिर जन्म कहां से होगा, व्यय नहीं होगा तो उत्पाद कैसे होगा, संयोग नहीं होगा तो वियोग हो कैसे होगा। अब अपने यहां संयोग है, अभी चले आए, इसमें रोने हंसने की कोई बात नहीं है, समझने की बात है, समझना चाहिए कि संयोग के काल में भी भिन्नता है। परद्रव्य परद्रव्य है, स्वद्रव्य स्वद्रव्य है, शरीर शरीर है, आत्मा आत्मा है। आत्मा शरीर नहीं हो गया है और शरीर आत्मा नहीं हो गया। शरीर के परिणमन को देख करके शरीर दुखी नहीं होता। देखो क्या स्थिति है, बद्धावस्था। बस देखने की बात समझने की ये है कि ये अवस्था अपनी भी हो सकती है। अरे अपनी भी हो सकती है ये तो बहुत स्थूल बात है। अब समझने की बात यह है ये अवस्था भिन्न है, अपनी नहीं है। अपन तो इसके भीतर जानने देखने वाले अलग हैं। अमूर्तिक तत्वों का प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन आत्मा भिन्न है और वही मैं हूँ। अनादिकाल से ये जीव को ये लगता है ये मैं हूं और ये है।
बिल्कुल मिथ्या बात है, व्यवहार नहीं थी उसी सत्यार्थ भले कह दें, लेकिन परमार्थ से देखा जाए तो ये हम नहीं है और ये भी नहीं। पर का शरीर भिन्न है, अपना शरीर भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, वे भी ये भी सब आत्मा है, हम भी आत्मा है। आत्मदृष्टि से अपने को सोचें, विचार करें तो उन्नति का मार्ग खुल जाए, सुख का द्वार खुल जाए। शरीर पर दृष्टि रहेगी जब तक, शरीर में अपनत्व रहेगा तब तक ये नाना प्रकार की अनुभूतियां होंगी, क्यों शरीर की नाना अवस्थाएं होती हैं और ये अवस्थाएं भी कर्म जनित हैं, वेदना मोह जनित है, शरीर की अवस्थाएं कर्म जनित हैं। कितने ही लोगों को आपने देखा होगा शरीर के छूटते समय बहुत रोग आदि होते, वेदना होती, और कोई सोते ही रह जाते। इन्होंने सुनाया हमारी बीना में एक व्यक्ति दर्शन कर रहे और धोक दी और बस धोके ही देते रह गए, पता ही नहीं पड़ा कब दे चुट गई, धोक दे रहे और धोक देते देते वंदना करने गए शिखर जी की और वंदना करते करते दे छूट गई। तो इसलिए डरना नहीं चाहिए, मृत्यु से डरना मोह जनित है, मोह के कारण डर लगता है, मैं मर जाऊंगा, मेरा नाश हो जाएगा। अरे जो अवश्यम भावी घटना है, अवश्य होने वाली घटना, उसको समझना चाहिए कि ये घटना है भाई, देह छूट रही है, देखो अपनी भी देह छूटेगी, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होगा। अब सुखी बनाने वाला है हमको तत्व ज्ञान, वेद ज्ञान, समाधि मरण में लिखा है देह जीव को भिन्न गिने तो मरण समय दुख कहीं, देह और जीव को भिन्न गिने, अगर गिने माने समझे तो मरण के समय भी दुख नहीं हो सकता, और देह जीव को एक गिने तो, देह जीव को एक गिने तो जन्म में ही कितने दुख हैं, कितने दुख हैं। हम तो परेशान हैं, बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, भूख है, प्यास है, ये सब शरीर के आश्रित हैं। ये नहीं मानता, ये नहीं होता, ये हो गया, ये हो गया, ये कहाँ हो गया। अगर देखा जाए तो अपने में तो कुछ हुआ नहीं। सिद्धांत दृष्टि से देखो तो आत्मा में द्रव्य भविष्या देखो तो कुछ होता नहीं, और पर्याय क्रमबद्ध होती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद होती हैं, कुछ नहीं हो सकता उसमें। द्रव्य स्वभाव बदलता नहीं है और पर्याय निरंतर बदलती हैं, संयोग निरंतर बदलते हैं, और लोक में भी आप जानते हो बदलने वाले का भरोसा करते हो, जो कह करके जन्नक दे भी मैं बदल जा, फिर बदल जा, फिर बदल जा, उसका कोई भरोसा करता है? नहीं करता। और जो न बदलता नहीं है न बदलने वाला, भैया वो तो बात पक्की है, कुछ है, एक कह दिया तो कह दिया, खत्म हो गई। न बदलने वाले का भरोसा करते कि बदलने वाले का, बताओ। व्यापारी व्यापार करता है, अपनी एक बात के ऊपर कितना पक्का रहता है और वो सफल होता है, और झण झण में बदल जाता है तो अरे वो तो बेकार आदमी, चाहे कुछ कह दे, चाहे जब कह दे, उसको कहकर घाल बदल जाता है, प्रतिष्ठा नहीं होती। तो बदलने वाले का भरोसा कर रहे हो आप, इस बदलने वाला है, ये अवस्थाएं बदलने वाली हैं, न बदलने वाले को पहचानो, जो बदलता नहीं है कभी। कौन नहीं बदलता बताओ, सोचो विचार करो, न बदलने वाला एक आत्मा ही है। आभूषण की डिजाइनें बदलती जाती, सोना थोड़ी बदल जाता है, ये बिल्डिंग के नक्शा बदलते जाते हैं सब, यहाँ ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था, अब 20-20 वर्ष बाद लोग आते अरे भैया यहाँ तो बिल्कुल बदल गया, नक्शा ही बदल गया, लेकिन जगह थोड़ी बदल गई। जगह माने आकाश, आकाश का क्षेत्र है वही का वही क्षेत्र, पहले ये कौन सा गांव था वही गांव, आज ये कौन सा गांव वही गांव, ऐसे ही इस पर्याय में कौन है, आगे पर्याय में कौन है, बाल अवस्था में कौन था, वृद्ध अवस्था में कौन है। जीव तो जीव है और जीव सदा मंगल स्वरूप है,
जीव सदा मंगल स्वरूप है। जीव अपने स्वरूप को भूल करके तोते की तरह हैरान हो रहा, तोते की तरह उल्टा लटक गया और सोच रहा है अब मुझे पकड़ लिया नली, अब हम फंस गए क्या करें। भैया फंसे नहीं हो, सदा काल अकेले हो, सदा काल स्वतंत्र हो और सदा काल आनंद स्वरूप हो। इस तत्व ज्ञान को, इस भेद ज्ञान को समझो। भेद ज्ञान के बिना सुख का कोई उपाय नहीं है। धन वैभव सुख का कारण नहीं होता, बाहर के पद प्रतिष्ठा सुख के कारण नहीं होते। सुख का कारण तो होता ही है कुछ ना कुछ तो, हाँ होता है ना। सुख का कारण होता है तत्व ज्ञान, ज्ञान वैराग्य। उस ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति के लिए ही ये सारे हम दर्शन करते हैं, भक्ति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। काय के लिए? काय के लिए? भेद ज्ञान के लिए। कल भी चर्चा की थी हमने, सवेरे भी चर्चा की थी। इन भगवान को देख करके कुछ सीखो, ये भगवान सिखा रहे हैं, आदर्श हैं, सीखो। क्या सीखें? क्या सीखें? तो भैया परिग्रह में सुख नहीं है। इनके पास कोई परिग्रह है? कह दो सुख नहीं है, परम सुखी है, हैं? पूज्य है कि नहीं? तो और परिग्रह है नहीं, तो आप विचार करो। परिग्रह सुख का कारण नहीं है। दूसरों की ओर देखना सुख का कारण नहीं है। दुनिया की ओर देखते रहोगे, राग द्वेष की अग्नि में जलते रहोगे, कर्म बंध बांधते रहोगे तो क्या होगा बताओ? हमारा बुरा करने के भाव से, बुरा चाहने के भाव से किसी का बुरा नहीं होता, हमारा भला चाहने के भाव से किसी का भला नहीं होता, लेकिन अपना भला करने के भाव से अपन की भलाई होती है, अपना भला होता है। दूसरे का भला सोचो, अपने आप अपना भला है। बुरा सोचोगे बुरा, जैसे अपने परिणाम है वैसे अपना सुख दुख है। तो विचार करना चाहिए भाई। हम ये कह रहे हैं जितना पाल सको उतना पालो, जिस परिस्थिति में जो, और देखो जितना पाल सकते हैं उतना पालना ही चाहिए, क्योंकि वह आनंद रूप है। लेकिन जितना नहीं पाल सके उतनी की भी श्रद्धा करना चाहिए। श्रद्धा बड़ी चीज है, श्रद्धा मूल है, दंशन मूलो धम्मो। भगवान को देख करके समझो, ऐसा देखो, दर्शन करो, विश्वास करो, विचार करो खूब। परिग्रह सुख का कारण नहीं है, दूसरों की ओर देखना सुख का कारण नहीं है, हमारा कर्तापने का जो भाव है, कर्तत्व बुद्धि, वह सुख का कारण नहीं है। सुख का कारण है शुद्धात्मा की आराधना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए तत्वार सद्धानम सम्यक दर्शन, तत्वों का सद्धान करना चाहिए। और कोई बड़ा कठिन काम नहीं है ये, आप सोचो हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं। बस इतना तो समझो ये सब भिन्न है, पराया पराया है। हमने आपको बताया था साहूकार में और चोर में इतना ही तो अंतर है। साहूकार को कोई धरोहर धर गया, भैया जी धर लेना हमारी, वो उसे अपने पास होने पर भी अपना नहीं मानता। या हमें से हमें 500 रुपया हमें दे दो, कहना ही वे धर गए उनकी है धरोहर। साहूकार के पास होने पर भी उसे अपने नहीं मानती, और चोर जहां देख ले वो कहते अबे लेने दे, इनकी निगाह तो भर कैसे हम। तो परद्रव्य को अपना मानता है अज्ञानी, क्षण क्षण में दुखी होता है, जीवन में भी दुखी और मरण में भी दुखी, इस लोक में भी दुखी और परलोक में भी दुखी। कौन? अज्ञानी मोही। अज्ञानी मोही का मतलब इस शरीर को अपना मानने वाला, इस परिग्रह को अपना मानने वाला, कर्तत्व बुद्धि रखने वाला, कर्तत्व के अहंकार में चूर, यहां भी दुखी है वहां भी दुखी है, जीवन में भी दुखी मरण के समय भी दुखी है। और जो तत्व ज्ञानी है, जो अपने को देह से भिन्न आत्मा समझते हैं, यहां भी दुखी नहीं है, मरण के समय भी दुखी नहीं है, और स्वर्ग के अगले भव में भी दुखी नहीं, कहीं दुखी नहीं।
परद्रव्य कोई शत्रु और मित्र नहीं है। परद्रव्य से राग द्वेष करना झूठा है, राग द्वेष ही तुम्हारे शत्रु हैं और ज्ञान वैराग ही तुम्हारा मित्र है, सम्यक्त ही तुम्हारा मित्र है, मिथ्यात ही तुम्हारा शत्रु है। इस मिथ्यात से बचो, राग द्वेष के त्याग का उपाय करो, अपनी परिणति निर्मल हो। अगर आपको यहाँ विकल्प नहीं है तो यहाँ भी शांति है, और कहीं चले जाओ शिखर जी में और वहां भी विकल्प आ जाए तो वहां भी शांति। विकल्प अशांति के कारण है हमारे, ये विकल्प ही तो झूठे हैं। परद्रव्य अपना मानने पर भी अपना नहीं होता। इस परद्रव्य को अपना मानने वाले जाने कितने हुए और कितने हो रहे हैं, कितने होंगे, सब दुखी के दुखी। परद्रव्य अपना नहीं होता। भगवंतों के दर्शन करो, दर्शन बिना कोई मत रहो, कोई मत रहो, अपने घर में ये दर्शन के संस्कार रखो। इन प्रसंगों को देख देख करके सीखो भैया, सीखो समझो, कौन काम आएगा, क्या लाए हैं, क्या लेकर के जाएंगे, कौन दुख को बांटने वाला है, कौन सुख देने वाला है, समझो भैया। अपने घर में दर्शन बिना बिल्कुल कोई नहीं रहे, छोटा सा बच्चा भी दर्शन कराओ नहीं? तुम्हारी छोटी छोटी बच्ची पढ़ते हैं, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भक्ति से जिन वर के दर्शन करेंगे, भक्ति से जिन वर के दर्शन, और दर्शन रूढ़ी से नहीं, भक्ति से करो। तीसरी बात, तीसरा बात बोलो, अरे कामनाओं से दर्शन मत करो, कामनाओं से दर्शन मत करो, कामनाओं का अभाव करने के लिए निष्काम भाव से दर्शन करो, और केवल दर्शन ही मत करो, उनकी वाणी भी सुनो, जिन वाणी में अपना चित्त लगाओ, रोज रोज देखो। टीवी और मोबाइल अलग की है, कंप्यूटर वम्प्यूटर अलग की है, वो हम कंप्यूटर में सुन लेते हैं, कंप्यूटर में सुनना अलग बात है। आप फिर कह रहे हम आपसे पुस्तक पढ़ना सीखो, पुस्तकों से कंप्यूटर से और मोबाइल से आंखें खराब होती हैं, किसी डॉक्टर से पूछना, और पुस्तक पढ़ने में आंखों का व्यायाम होता है आपका, और पढ़ने में बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, कब तक पढ़ो, जब तक जैसा कहा है वैसा हमारे समझ में ना आया। ये संसार असार है, सच्ची बात है, ये संसार असरण है, सच्ची बात है। और फिर प्रश्न उठाओ, जब संसार असार है तो सार कौन है, संसार असरण है तो शरण कौन है, जब असार है तो कोई सार भी होगा, निश्चित बात है सार, देव धर्म गुर शरण और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकतो चेतन यूं ही उम्र खोई। आप ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है, अब तो पढ़ाई लिखाई होने लगी बहुत, लेकिन ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है तो अभी कम से कम नमोकार मंत्र पढ़ने लगो, वो आपका काम आएगा, पंच परमेश्वर को पढ़ने लगो। विचार करो, हिंदी में पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो कुछ भी आप जितना भी समय मिलता है अपने लिए पढ़ो, अपने लिए जियो भी। सबके लिए हमारे पास टाइम है और अपने लिए ही समय नहीं है, हैं? 2 मिनट बैठ करके सोचो, मैं कौन हूँ, ये तो मैं नहीं हूँ जो दिख रहा हूँ, ये तो बदल रहा है, ये तो मिला है, ये तो छूटेगा, मैं कौन हूँ, मैं इस देह से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। जैसा परमात्मा का स्वरूप है वैसा ही अपना स्वरूप है भाई, देखो 10-5 मिनट बैठा करो अपने लिए। घर में झाड़ू लगाते हैं, मन मंदिर में भी झाड़ू लगाया करो, पहले पढ़ते थे अब तो भूल ही गए, पढ़ते थे याद है तुम्हें, अरे विचार करो, अरे अपने मंदिर में भी खोटे, अपने मन में भी खोटे भाव ना आ जाए कभी,
अपने मन को भी बिल्कुल निर्मल रखो, घड़ी दो घड़ी रोज मंदिर में आया करो, और मन मंदिर में रे मना झाड़ू रोज, इस मन की सफाई को भी करो भाई। स्वाध्याय रोज करो, अपने जैन धर्म के संस्कारों को अपने सुरक्षा करो। आपके पास आप एक लाइन है, क्या है? संपत्ति से ज्यादा संस्कारों की सुरक्षा की जरूरत है। आपके घर में चोर ना घुसे आए, आपके घर में कोई कुत्ता ना घुसे आए, आपके घर में गंदगी ना घुसे आए, अब तो मक्खी नहीं घुसे आए, जाली लगा लेते डबल डबल की वार। लेकिन आपके घर में जी व्यसन घुसते चले जा रहे हैं, व्यसन, इन व्यसनों से बचाओ। आपके घर में मदरा और मदरा वाला न घुस पाए, जुआ और जुआ वाला न घुस पाए, चोरी और चोरी वाला न घुस पाए, चोर न घुस पाए कोई। अरे बेचोर तो पैसा ले जाएंगे, और कर्म चोर चरोर सर्वस लूटे सुध नहीं, ये विषय चोर भाव फिरत हैं, ये चोर न घुस पाए। हमारी जीवन प्रशंसनीय हो, पूजिता की ओर बढ़े, प्रसन्नसिनी हो और पूजता की ओर बढ़े। अपने पूज्य पुरुषों का आदर करो, दर्शन करो, भक्ति करो, उनके बैठ उनके चरणों में बैठ करके सीखो कि भैया ये संसार में संसार ही असार है, आत्मा थोड़ी असार है, संसार ही असरण है, आत्मा थोड़ी असरण है। अरे दूसरों की समाधि में भी सहायक हो और स्वयं समाधि की भावना करो। समाधि का मतलब मरण नहीं है, मरण अलग ही है, समाधि नाम निष्कथा भाव का है। समाधि की भावना बाते हो दिन रात मेरे स्वामी, ये भावना ये भाव देहांत के समय भी तुमको न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव रखकर सबसे क्षमा करा। जागे नहीं कसाए, नहीं वेदना सताए, ये पढ़ा करो, विचार किया करो। जो दूसरों को सुनाते हैं, दूसरों से बातें करते हैं, वे अकेले में बैठ करके अपने आप भी अपने को संबोधन किया करो। धर्म अपने जीवन को देखो भाई, जीवन पूरा तो होगा, पुत्र केवल उसको नहीं कहते जो पिता की संपत्ति को बढ़ाता है, पिता के कीर्ति को भी बढ़ाता है, केवल व्यवहारों को ही निभाता है, केवल व्यवहारों को निभाता है, उसका नाम पुत्र नहीं है, पिता के धर्म व्यवहारों को भी निभाता है। पिताजी चले गए इसका मतलब एक पुजारी कम हो गया, ऐसा नहीं समझो, अब पुत्र को पूजा करना चाहिए। पिताजी दान देते तो एक दातार कम हो गया, अब ऐसा नहीं, पुत्र को दान देना, कुछ लेकर के तो नहीं गए। आपको ये संस्कार दे करके आना, हमने देखा है छोटे बात है, माताएं छोटे बच्चे से ये गोलक में डाल देना, जा बाबा जी को बुला ला, आज अपने यहां बाबा जी का आहार है। अब वो बच्चा देखता है ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये क्या कर रहा है, ये क्या, अरे अपने यहां ऐसा होता है, ये बेटा रात में नहीं खाया जाता, किसी को गाली नहीं दी जाती, किसी के बारे में खोटा नहीं सोचा जाता। ये संस्कार, अच्छे अच्छे संस्कार स्वयं भी रखें और बच्चों को भी दें। देने लायक अच्छी चीज होती है, परिग्रह देने के केवल वो तो भैया उसके उदय प्रमाण है, तुम दोगे उसके उदय में होगा तो रहेगा, नहीं होगा तो नहीं रहेगा। सोचो जनक जी ने सीता का विवाह कहां किया था, कैसा घर भर देखा था, और कितने डट करके उन विद्याधर आ गए, बोले क्या करते हो, अच्छा तुम्हारी राम ये धनुष तोड़ देंगे तो हम देखेंगे। और चौबीस सीता वन में गई, और एक बार नहीं दो बार, दूसरी बार राम ने वनवास दिया, सीता का जीवन देख लो, और एक और मैना सुंदरी को पहुपाल ने कहां दिया था, और जाकर के कहां पटरानी हो गई और जय जयकार हो रही आज भी। भैया धर्म के महात्म को समझो, पैसा से धर्म की तुलना नहीं है।
चक्रवर्ती सारी संपदा करके अगर जे चाहे एक थोड़ा सा जीवन मिल जाए तो नहीं मिलेगा, सुख चाहे तो सुख नहीं मिलेगा। डॉक्टर कह देंगे पैसा क्या करेंगे हम, पैसा आप क्या कर सकते बता, अब कोई है ही नहीं, हम इलाज क्या करें। आप विचार करो, पैसा हमारे लिए भले बना रहे लेकिन हम पैसा के लिए ना हो जाए, वही में लगे वही में लगे वही में लगे। अपने लिए भी कुछ सोचो, अपने लिए भी कुछ करो, तो दर्शन और स्वाध्याय और जैन संस्कृति की रक्षा, जैन संस्कृति की रक्षा प्राण पण से करना चाहिए, यही तो हमारी प्राण है। दिन में पूजा होती है, दिन में भोजन होता है, क्यों भाई? जैनों में दिन में पूजा होती है, दिन में भोजन होता है, तो व्यवहार रात में कैसे होता है? पूजा और भोजन दोनों ही होने विवाह में कि नहीं होंगे, ये बताओ। आप लोगों को बच्चों को आगे आ जाना चाहिए, नहीं दिन में, दिन में तमाम खुरापातों से बचेंगे, तमाम उपद्रवों से बचेंगे, तमाम फिजूल खर्ची से बचेंगे। हम आपसे कहते हैं विवाह अधिक कार्य करो, बड़ी सादगी से सरलता से करो, और उस विवाह के उपलक्ष्य में आप ये करो काम, जो कुछ भी करना है लोकोपकार का कार्य करो, समझ गए आप? इधर उधर बर्बाद मत करो, विवाह करना है और आप पैसा वाले हो तो पैसा कैसे होता है कि भैया विवाह के उपलक्ष्य में कोई लोकोपकारी कार्य करो जिससे लोक का उपकार होता रहे। आपकी बहुत हैसियत है, आप हॉस्पिटल खोल दो, विद्यालय खोल दो, छात्रावास खोल दो, वृद्धाश्रम खोल दो, आज वृद्धाश्रमों की जरूरत है। हमारे जैनों में वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं हो सकती, वृद्धाश्रम नहीं लिखा है। अरे हमारे यहां तो सेवा के संस्कार हैं, वृद्ध हमारे घर की बोझा नहीं है, सेवा सोवा है। आज घरों में परिवारों में अगर बड़े बूढ़े रहेंगे तो ये बातें जो आज सुनने में आ रही करने में आ रही भाई कुछ एक भी नहीं होंगी, डर रहेगा। बहू अगर जोर से बोलती है तो वो पीछे से बोल ए का बोली का बात है, लड़का अगर जोर से क्या कर रहा है टोकने, सुरक्षा कवच है। और अब अकेले के रह गए, लड़ो चाहे छोड़ो चाहे बनो चाहे कुछ करो, जो कुछ करने तो करो। ये बड़ी विकृत संस्कृति है, अपनी संस्कृति को रक्षा करो भाई, लोकोपकारी कार्य करो, धर्म के कार्य करो, विधान कराओ, पूजा कराओ, भक्ति कराओ, शिविर लगाओ, जो कुछ भी आपको नाथ आश्रम बनाओ, वृद्धाश्रम बनाओ, बनाओ आराम से। कौन मना कर रहा पैसा खर्च करने के लिए? लेकिन अविवेक से जैसे और कर रहे तैसे हम करे तो हमने जैनी होकर के क्या किया जी, तो बता। जैनियों की एक पहचान रहना चाहिए कि नहीं? जैनियों की पहचान है, उस पहचान को आप अपनी कायम रखो, संस्कृति की रक्षा करो। उस दिन हमने कहा था भैया देखो एक नियम बनाना चाहिए, जैसे हम और नियम लेते हैं, कभी किसी के प्रति दुर्भाव नहीं रखेंगे, कभी धर्म कार्य में विघ्न नहीं करेंगे, सहयोग करेंगे, अनुमोदना करेंगे, विघ्न नहीं करेंगे। आज जगह 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 ये पंचायत वे पंचायत जी वे जेरी कहा है भैया, ये तो सेवा कार्य है, प्रभावना है, शुद्धात्मा की आराधना और धर्म की प्रभावना, समाज की सेवा हो चाहे देश की सेवा हो, ये त्याग और तपस्या है। अपनी इंद्रियां बस में करी जाती हैं, अपने त्याग बस कसाएं छोड़ी जाती तब सेवा कर पाते हैं। हम अपने गुरुजनों की सेवा भी तब कर पाएंगे जब हम अपनी कसाएं छोड़ेंगे, आलस्य छोड़ेंगे, उनके नियम संयम का निर्वाह कराना सीखो, स्वयं नियम संयम लेना सीखो। स्वाध्याय करोगे और अच्छी संगति में रहोगे तो ये सब बातें अंकुरित होती आएंगी, बढ़ती चली आएंगी आपकी। और यही हमारी भावना है भाई। देखो हमारे जाने के बाद अगर किसी के मुंह से ये निकला चलो शांति भाई, तो धिक्कार है हमारे जीवन को।
ध्यान रखना। अगर हमारे जाने के बाद किसी को ये लगे कि शांति भाई तो धिक्कार है हमारे जीवन को, हमारे जाने के बाद ये लगना चाहिए अरे सुनो हो, हम जन्मे थे तो हमारे रो रहे थे और लोग बाजे बजा रहे थे, हंस रहे थे, अब समय क्या है कि हम हंसते हुए जाएं और लोग कहें अरे सुना हो गया भाई सुना। उस दिन कौन भैया था, उसने बोले चचा ने कभी टोंकते थे लेकिन कभी गलत बात पर सही बात पर नहीं टोंका, टोंकते थे भैया जी सिर खोले पूजा कर रहे, क्या कर रहे ये मोजा पहने चले आ रहे, बिना पैर धोए चले आ रहे, क्या बात है मंदिर है ना, ये इतनी कीड़ा गिर रहे तुम क्या कर रहे, लाइट जला रहे इतनी कीड़ा गिर रहे। आप सोचो इन बातों का, ध्यान रखो हाँ। और इसी प्रकार से अपने छोटों को भी समझाओ, प्यार से टोंको तो, लेकिन माता का मात्र तो भीतर में होना चाहिए, टोंकते समय बातचाल साइड टोंकना चाहिए, कैसे पूजा करे कैसे करो कैसी पछाल करे, जरा से ढांक लो भैया कैसे मंदिर में जा रहे भैया ऐसे जाओ, ये बैठ जाते थे बोले कहा सबके संग मिलकर के बैठ जाते, तुम्हारे कपड़े अलग रहते तुम अलग बैठो अलग चटाइयों पर रहो, कितनी बार कहते थे, और फिर अगर ये नहीं सुने तो हमारे पास आए, मानी अब वो मानते नहीं हम क्या करें, हम क्या उधर कह चुके उनसे, कह देंगे। अच्छी परंपरा के लिए टोकना भी बुरा नहीं है, हम ये कह रहे हैं हमें मजबूत बनना चाहिए और वो मजबूती हमारी आएगी स्वाध्याय से, हमारे परिणाम मजबूत होंगे। तो विचार करो भाई, अपने स्वाध्याय को जीवन का अंग बनाओ, हम अपने को पहचाने, भगवान को पहचाने, गुरुओं को पहचाने, धर्म को पहचाने, कर्तव्य को पहचाने, अपनी संस्कृति को पहचाने, और केवल पहचाने नहीं गौरव होना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भगवान जिनेंद्र के दर्शन रोज करना भैया, और जो रोज करते हैं वो दोनों समय का नियम बनाना, आपका फायदा ही होगा। दर्शन करते हैं उसको आगे बढ़ाओ, स्वाध्याय से सार्थक करो। स्वाध्याय से समझ में आता है कि हम दर्शन करने क्यों आए हैं, किनके आए हैं, और इनके दर्शन से हमारा हित कैसे होता है, ये समझ लो। ऐसे प्रसंग पर प्रेरणा मिलती है, लेकिन अपन को प्रतिज्ञा लेके उठना चाहिए, आज हमारे काम की बात मिल गई, इस बात को तो अब जीवन में नहीं तोड़ेंगे। देव दर्शन, स्वाध्याय और अपनी संस्कृति की सुरक्षा। भाई साहब 2 मिनट ले रहा हूं सबका मैं। एक हमारे इंदौर के साधर्मी है, उनकी बुआ जी के बेटे की शादी थी, जो शादी की डेट थी उसी डेट में उनने यात्राओं को जाने का प्रोग्राम बना लिया। तो उनके बच्चों ने पूछा, पापा जी वो भैया की तो शादी है और आप यात्रा पे चल रहे। तो उनके पापा जी बोले, बेटा हमारा नियम है कि जो भी चाहे समाज का हो चाहे घर का हो चाहे कहीं का हो, यदि विजातीय विवाह करेगा अन्य जाति में विवाह करेगा तो हम उसमें सम्मिलित नहीं होंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। और बोले हम ऐसा बच्चों को बताकर साथ में लेकर शिखर जी पहुंचे, शिखर जी की वंदना करके लौट रहे थे तो बच्चों ने प्रतिज्ञा की, किस बात से कि पापा जी का तो नियम है कि यदि कोई गलत कदम उठाएगा तो हम उसके शामिल नहीं होंगे, इसका मतलब कि हम भी गलत कदम उठाएंगे तो पिताजी शामिल नहीं होंगे, मतलब लिया नियम उन्होंने वहां से था, और शिक्षा कहां मिल गई। इस संस्कृति की सुरक्षा अपन करेंगे तो अपना पूरा समाज अपने साथ होगा भैया, अपना गौरव रहेगा, अपने घर में मुजाजों के निर्विघ्न आहार होंगे, अपन धर्मात्मा को दान कर सकेंगे, उन्हीं तक लोग कहेंगे भैया देख लो इनके लाने, तो धर्म की हंसी होती है। तो ये संस्कारों की सुरक्षा के लिए अपन सब संकल्पबद्ध हों, और अपने घर में तो कोई खोटी संस्कृति आ ही नहीं पाए, कहीं किसी कार्यक्रम में आपको खोटी संस्कृति जो जिन शासन के विरुद्ध दिखाई दे
कम से कम इतना साहस रखो हम शामिल नहीं होंगे। वे नहीं मान रहे, देखो उस व्यक्ति ने ही नियम लिया था, लेकिन फायदा कहां मिल गया? अपने घर, उनका घर बच गया, उनके बच्चे फिर कभी इधर उधर भटक नहीं पाए। तो कम से कम अपन संकल्प लें कि ऐसे कार्यक्रमों में खुद ही संस्कृति में अपन तो सहयोग नहीं कर सकेंगे। तीसरा निवेदन यह था जिन बाबूलाल चचा जी को निमित्त से आप लोग यहां एकत्र हुए, मुश्किल से 15-20 दिन पहले ही उनसे थोड़ी बहुत ऐसी बातचीत हुई, क्योंकि कुछ दिन पहले ज्ञानचंद पंडित साहब की समाधि हुई थी। तो उनसे पूछा कि भले ही जीवन बहुत लंबा चले, लेकिन समाधि का तरह है ना, निष्कषाय भाव की प्राप्ति का उपाय, मतलब अब जिनमानी को पर सुन करके हम कषायों को जीतना सीखें। तो उनसे चर्चा कर रहे थे, चर्चा 12 वर्ष की समाधि होती है, अपन उसकी तैयारी में लग सकते हैं, कुछ सोचें। उनको इतनी जच गई, बोले भैया हम भी समाधि करेंगे। और पंडित साहब का चलेगा निवेदन करने, इस भावना मात्र से उन्हें किसी भी अस्पताल में नहीं जाना पड़ा, एक एलोपैथी गोली नहीं खाना पड़ी। ये भावनाओं के ऐसे फल होते भैया, इस समागम में स्वाध्याय करना सीखेंगे, स्वाध्याय को सुनेंगे, हमारे उत्तम 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 संस्कार बनते जाएंगे, हमारा भविष्य उत्तम होगा, ऐसे हमारे। भगवान की जय।